Happy birthday to you. Happy birthday. बर्थडे डेकोरेशन शुरू हो चुका है. मिस इंडिया मम्मी. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग. तो गाइस, आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मानसी है उत्तराखंड पहाड़ों में अपनी मम्मी के पास. मैं जब पिछली बार गया था उसको वहीं छोड़ा आया था. उसका कहना था कि इस साल मैं अपनी मम्मी के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर लेती हूँ. तो मैंने बोला चल ठीक है, तो वहीं मजे कर. तो आज व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि कल है उसका बर्थडे और मैं उसके बर्थडे पे जा रहा हूँ उसके पास सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि मंडे मेरे को ऑफिस भी जाना है. और उसके बर्थडे के लिए मैंने कुछ तैयारी करी है. छोटी मोटी चीज़ें लाया हूँ, बलून्स, ये हैप्पी बर्थडे का, बर्थडे कल का उसका, ये जो होता है. तो शाम को 4 बजे की बस है मेरी और मेरे को अराउंड सुबह 7:30 बजे तक वो वहाँ मतलब घर के पास छोड़ देगी. तो अभी फिलहाल मैं केक वेक मैंने सोचा है कि वहीं मासी जो मार्केट है वहाँ की लोकल वहाँ से ले लूँगा. यहाँ से ले जाऊँगा तो मतलब पूरा बिखर जाएगा केक, कुछ फ़ायदा नहीं है ले जाने का यहाँ से. और बाकी रहा गिफ्ट, सबसे मुश्किल चीज़ एक लड़के के लिए कि क्या गिफ्ट दें. अभी तक मेरे दिमाग में कुछ था नहीं तो मैं कुछ लाया भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था. फिलहाल गिफ्ट दूंगा उसके आने के बाद, उसको कुछ अच्छा गिफ्ट ला के दूंगा. तो शाम को 4 बजे निकलते हैं सीधा आपको आनंद विहार. बस से जा रहा हूँ ये बता देता हूँ, अकेला हूँ, गाड़ी से नहीं जाऊँगा, बस से जाऊँगा. क्योंकि जितना मेरा डीजल टॉल लगेगा उतने में मैं आराम से बस से सिर्फ टॉल के किराए में मैं गाँव पहुँच जाऊँगा. तो हो सकता है वो शायद मेरे साथ वापस आ जाए दिल्ली परसों जब भी मैं आता हूँ, कल परसों में. तो अगर नहीं आती तो वो कुछ दिन बाद आएगी. भाई शॉल भी लेके जा रहे हैं क्या? हाँ यार, शॉल भी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि गांव में बहुत ठंड है और मेरी विंडशील्ड ऑलरेडी गांव में छूट गई थी जब मैं पिछली बार भी मानसी के साथ गया था. तो मम्मी ने बोला अगर जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो गर्दन के पीछे लगा के आराम से सो जाइए, थोड़ा कम्फर्ट रहेगा. तो इसलिए शॉल भी लेके जा रहा हूँ. बाकी कुछ नहीं ले जाता, नहीं ले जाता करते करते 1, 2, 3 बैग मेरे जैसे तैसे हो ही गए हैं और अब बजने वाले हैं. ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और मैं फटाफट सोच रहा हूँ निकलूँ, नहीं तो कहीं बस मेरी मिस हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ आनंद विहार. घर से 4 बजे निकला था ये सोच के कि 1 घंटे का बफर टाइम लेके चलूँगा. मैं ठीक है 1 घंटे में पहुँच गया यार, अभी पूरा 1 घंटा बस लगने में. ये पीछे दिख रही है 84, इसी वाले स्टैंड पे बस लगेगी, दिल्ली टू 84 वाली बस मैंने बुक करी थी. मासी मैं बीच में उतर जाऊंगा कहीं पे. और अभी दिक्कत है केक की. मैं सोच रहा हूँ मैं मासी से ही लूँगा यार, क्योंकि यहाँ ऑप्शन थे मेरे पास बट मेरे को लग नहीं रहा कि वो सही सलामत पहुँचेगा. तो केक का रहने देता हूँ मैं, केक वहीं से ले लूँगा. अभी 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, गर्मी बहुत है यार, हालत ख़राब हो गई है गर्मी. तो गाइस अभी मैं पहाड़ों पर पहुँच चुका हूँ एक जगह, यहाँ पर भट्टी, यहाँ हमारी बस पहुँच चुकी है. एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि दिन अगला है, व्लॉग सेम चल रहा है. तो अभी यहाँ हम थोड़ा चाय पानी पीने रुके हैं, इसके बाद अभी करीबन 2 घंटा हमें अभी और लगेगा आई थिंक पहुँचने में. उसके बाद मानसी से मिलेंगे बहुत दिनों बाद, मज़ा आएगा. पहाड़ों पे चाय और चिप्स का मज़ा ही अलग है दोस्तों. और ये देखो नज़ारे, पहाड़ ऊपर बादल नीचे, यह है सुबह 5 बजे का नज़ारा पहाड़ों पे. नहीं, 6:03 का नज़ारा, 6:03 का नज़ारा, मज़ा आ रहा है. ठंड बहुत है भाई, हड्डियाँ कांप रही अंदर से. वो सामने खड़ी मम्मी, मम्मी को मैंने बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ अभी 1 घंटे पहले. और मानसी शायद अभी सो रही है, उठी नहीं है. आई होप वो सोई हो, अच्छा ही बात है, ताकि उसको अभी जल्दी से पता ना लगे कि मैं आया हूँ. मैं उसको वीडियो कॉल करूँगा ये एक्ट करते हुए कि मैं घर पे ही हूँ, मैं आया नहीं हूँ. तो अभी देखते हैं क्या हाल है. नमस्ते मम्मी. और ठीक है
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। आ जाओ आ जाओ, पता था तुझे, ये समझ गई थी कल से, ये कह रही है अरे वो पता था तेरे को मांगूंगा, हैप्पी बर्थडे। पागल है मुझे, अभी पता ही है सुबह 6 बजे फोन मेरे पास में जब मम्मी को फोन किया, फोन रात को रहता मेरा है, स्पीकर फोन बात कर रही है, नहीं तो पीछे इसको पता था इसका हेमंत का फोन आ रहा है मम्मी तुम्हारे, चलो कोई नहीं, नई शर्ट पहन के आया दिखा रहा तुम, नहीं नहीं ये बहुत पुरानी है, मैं तो कभी देखी ही नहीं, हाँ बस कभी देखी नहीं इसलिए पहन के आ गया, काफी पुरानी टी शर्ट है मेरी, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। 350 किलोमीटर से है, 400 किलोमीटर में, 400 किलोमीटर से आया है वो हैप्पी बर्थडे विश करने, आना पड़ा भी कर देते साल का, बताओ ना बुड्ढी हो गई एक साल और, रहने दो डिस्क्लोज नहीं करता इसको, इसको राज बुढ़ापा आ गया, हेमंत कल इसने बोला कि पहले तो छुट्टी पता पहली बार समझ गई फ्राइडे को उसको ऑफिस क्यों नहीं आना है इधर के, और फिर 3 बजे सर इसकी मीटिंग चालू होगी, मीटिंग हो ही सकती है ट्रेनिंग में बैठा हुआ था, इसका दिमाग तेज चलता है, 3 बजे 4:30-5 बजे पहुंचेगा स्टेशन पे, वहां पर बात कर रहा होगा फोन की सर रोडवेज का हॉर्न बज गया, मैंने अभी से कहा मेरे को आने वाला है, मैंने कहा अभी बोलूंगी तो हेमंत का मूड खराब रहेगा, चुपचाप रहती होगी से। तो गाइस आज मानसी के बर्थडे पे बन रहा है पूरी और ये बड़े और ये अरे मैं भगवान जी भगवान को चढ़ाओ, तुमने तो मेरे को भगवान बना दिया, नहीं नहीं तो ये भगवान जी को चढ़ाने जा रहे हैं, कौन से मंदिर में जा रही है, अरे नहीं नहीं यार पहले मंदिर में चढ़ा, नहीं ऐसे नहीं पहले मंदिर में चढ़ा, मंदिर में चढ़ा दू, जन्मदिन है तेरा आज, जा जा पूछना क्या है, जा चढ़ा कर रहा तू, अरे मैं कह, तो गाइस आए थे वैसे हम दिल्ली से बस में, बट हम केक लेने जा रहे हैं गाड़ी में, पूरी बताओ ना, पता है मैंने गांव के एक लड़के से साइकिल मांगी, एक चारू की साइकिल थी, 2 साइकिल लेके पंजाली तक आए हेमंत के मामा के वहाँ, हम सोचा कि साइकिल में चला के मतलब मस्ती करते रह जाएंगे, चाचा बोले नहीं 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 साइकिल लेके जाना मेरी गाड़ी लेके जाओ, चाचा कहने लगे नहीं नहीं गाड़ी लेके जाओ, तो फिर उसके बाद साइकिल को वही छोड़ दिया पंजाली में, साइकिल वही खड़ी है अब हम गाड़ी से चल रहे हैं, हेमंत के मामा की गाड़ी लेके हम लोग जा रहे हैं, कहा मेरे बर्थडे का केक ले, यार केक तो मतलब जो मैं चाह रहा था वाला नहीं है, बट ठीक है गांव में मिल रहा था, क्योंकि सिर्फ एक केक अवेलेबल है और वही मिलेगा बस, ना मिल्क केक को काटा करते थे, मिल्क केक का ऐसी मिठाई ऐसे में डाल के है ना, चलो कोई याद होगा चारू के बर्थडे भी काटे थे, मतलब केक के लिए तुम्हारी चॉइस नहीं है, केक के लिए शॉप वाले की चॉइस है कि ये केक है चाहिए ले जाओ, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना यार गाँव में ऐसी होता है, बढ़िया है, चलो हम जा रहे केक लेने के लिए, मेरे बर्थडे का केक लेने खुद जा रही हूँ मैं, जा चलो तू ले आ फिर, आइए आइए कैसा लग रहा है आपको, दूसरों की गाड़ी चुराते हुए, मैं चारू तेरी गाड़ी चुरा लाया, क्या ये गाड़ी में कभी चला पाऊंगा, अभी जरूर चलाएगा जरा, क्या कभी मैं चला पाऊंगा, अभी 1-2 साल नहीं देख तू कैसे दौड़ाता है इसको, अभी अंडर एज है मोटे, वो 16-17 साल का है, 16 साल में उसको गाड़ी चलवा रहे हो, हाँ हम ना जो केक जिन्होंने बनाना था उनकी दुकान बंद हो गई है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे घर से आके केक ले लो, तो हम उनके घर पे आए हुए हैं, चारू बता रहा है कि उनका घर कहाँ पे, हमको तो पता भी नहीं, अच्छा मैं और हेमंत अकेले ही, हमको तो घर भी पता नहीं था, हमने यहाँ पे तो आई थिंक हेमंत वही है शायद जो खड़े हो रखे हैं मेरे ख्याल से, कहाँ है चारू,
अच्छा ये है, ये जो घर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला है। केक चारू को दे दो। अच्छा आपने बर्थडे केक भी खुद ही पकड़ू? मैं नहीं, मैं पकड़ ही ले रहा हूं। कुछ तो शर्म करो भाई। तो गाइस फाइनली इसको मिली गई साइकिल चलाने को। लग कैसी रही है गधी ऐसी? अरे सीधे कर, क्या कर रही है? पहाड़ों पे चला रही है ऐसे, पूरे ऐसे 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 ज़िगज़ैग। तो ब्रेक क्या क्या करना है? तूने तो पेडल मारना है, पेडल थोड़ा स्पीड में मार। रोकूंगी तो वो तो होना चाहिए। भारी बहुत है यार, भारी बहुत है। अरे इसमें पूरा ये मेटल है, सच में यार ये हमारी साइकिल में है ही नहीं। अरे हवा भी नहीं उसमें। हां वन इज तभी अब जिसको आती है उसको कोई दिक्कत नहीं है यार, जिसको नहीं आती ना उसके लिए दिक्कत है। बट फिर भी पहाड़ों पे थोड़ा सा अनसेफ है ना, अचानक से मोड़ पे गाड़ी आ गई। लड़कियां वैसी इस चीज के लिए फेमस है कि ब्रेकों पे हाथ नहीं लगाती, पैर घसीटती हैं। और इसमें साइकिल ही नहीं है, मतलब ब्रेक ही नहीं है। तो मेरे बॉडी की तैयारी हो रही है, बर्थडे डेकोरेशन शुरू हो चुका है। बर्थडे गर्ल के सामने क्योंकि इसको कितना ही छुपा के कर ले इसने, फिर उठ के आई जाना है तो कुछ। मैंने कहा कि तुम्हें जरूरत है तो यहाँ मुंह दिखा के बोलो ना, तुम्हें जरूरत है तो ठीक है वरना मैं उधर चले जाती हूँ। फिर इनको आइडिया नहीं है क्या करना है, इनको समझ में हमें मतलब किस रूम में डेकोरेट करना चाहिए उसका आइडिया नहीं लग रहा। तो मैंने पूछ ही लिया यार, तो खुद ही बता दे किस रूम में। और उसके बाद क्या कह रहा है, जब सब कुछ हो गया कह रहा है तो चले आना। मैंने कहा सब तो मैंने देख लिया क्या आया है क्या नहीं आया, तो अब क्या छुपा के क्या फायदा है बताओ। चारू हेल्पर को लेकर आए हैं साथ में हेल्प करने के लिए, तो मैंने डिसाइड किया कि बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट करती हूँ। अंदर यार सब ना दरवाजे ये सब दुनिया भर के, तो यहाँ पर ऐसे हैंग कर देंगे यहाँ पर हैप्पी बर्थडे का, वो यहाँ पर लड़िया वगैरह डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे सेंटर टेबल, तो क्या होगा फोटो वोटो भी जिससे पूरे पहाड़ रात को ब्लैक रहेगा तो अच्छा आएगा। हेमंत कर अंदर करने को, अब अंदर तो यार अंदर मेरे को समझ में आ रहा है अंदर कहाँ करना है, मतलब सब जगह तो खिड़कियाँ दरवाजे तो हम बाहर करेंगे। हमने करवा चौथ भी वहाँ पर ही सेलिब्रेट किया था ना, तो अच्छी फोटो आई थी। गाइज फाइनली वी आर डन विद द डेकोरेशन। तो कुछ ऐसा जो मैं बैलून से लाया था और ये हैप्पी बर्थडे लाया था, तो मानसी ने बोला इसको बाहर सजाते हैं, तो और ये मानसी अच्छी लग रही है सच में, वेरी नाइस। मैंने इनको आइडिया दिया है, इनको आइडिया नहीं था, मैंने बच्चों की तरह लटका दिया बलून से, मैंने बताया ऐसे करना है। ये नहीं बताया जा रहा कि जिसका बर्थडे था उसका ठीक है, ओके भाई ओके मान लिया। और ये भी मैंने बताया था कि जब केक कटेगा तो अच्छा लगेगा। मेरा 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 जो मतलब नीचे डाल दो, मैंने कहा पूरा खुला हुआ सा उड़ जाएंगे नीचे। मैंने इसको ये आइडिया दिया था कि नीचे फैलाते हैं, मस्त पूरा भरा हुआ हो, चार गुब्बारे नीचे कैसे लगेंगे। तो ये आइडिया है, और ये फोटो वोटो अच्छा ही करके यहाँ पर भी कर, और लाइट भी लगाई है हम लोगों ने, और ये देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ है ताकि फोटो वोटो अच्छी आ जाए। क्योंकि हमारे पास जंग लाइट नहीं थी, कुछ भी एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं थी, सिंगल लाइट थी, तो हमने एक बल्ब लगा दिया। नानी हमारी अंदर बैठी हुई है चुपचाप, वो समझ नहीं पा रही इनका चल क्या रहा है। तो चलो अब मैं अपना थोड़ा कार्यक्रम चालू करूँ। ये लड़ियाँ बंद क्यों हो गई पीछे, खराब हो गया क्या ये? अरे नहीं रुक जा मैं करता हूँ। मानसी पहन इसको, बच्चों के ऐसे छोटे तो बच्चे क्या है, ठीक है बर्थडे बच्चों का क्या बड़ों का क्या सब चाहिए। ये भी लाया तुम भाई साहब, चल चल फोड़ेगा कौन? अरे मैं फोड़ूंगा, मैं हूँ चारू है। अरे तो पहन यार बर्थडे, नहीं 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 उल्टा पहन ले चारू, एक सेकंड इसको पकड़, मम्मी का बोली अभी पहले वो तेरी रील्स बना देता हूँ। हाँ तो आ रहा ये क्या है, चलो करे। हाँ हाँ हाँ
बोलो रुक जा हैप्पी बर्थडे करू अरे हैप्पी बर्थडे वो करना नहीं आ रहा अरे वैसे ही फोड़ के कर दे भाई उसे छेद करके कर दे अरे ऐसे ऐसे कर दे हमारा कैमरा में ए वो चारू किसको ले रहा है हेमंत तो नहीं रहा तू ले रहा हूँ सब आ रहे हैं फट नहीं रहा तो छोड़ ऐसे उछालो अरे ऐसे उछालो चलो चलो ये हाँ गाइस हमारा खराब हो गया हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर वांटी ये पूरा केक मानसी लगा दू मेकअप तो बनता है यार तेरा थोड़ा सा कर दू अभी ताई जी अपना फैशन कर रही हाथ का उसे कैसे करा था जी बच्चों के दिन यार इसने धोखा दे दिया हां तो आप भी खाओ रुक जाओ ज्यादा लंबा हो गया भाई तो ज्यादा लंबा हो गया भाई ये तुमने क्या क्या टूटे और देख भी कैसे हालत कर आप लफाओ किसके लफाओ स्प्रे जो कैमरा मैन है बेचारा ऐसे ही रह रहा है हां यार जा चारू तू खिला यार मैं पकड़ जा पकड़ जा 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 वो मेरे मुंह पे लगाने के लिए बैठा हुआ है अभी पूरा खा हैप्पी बर्थडे चारू चारू का हैप्पी बर्थडे हो गया चारू तेरा बर्थडे हो गया जो वेल विशर्स देंगे उन लोगों की थैंक यू मुझे कमेंट देंगे वेल विशर्स को थैंक यू सो मच कैसा लगा डेकोरेशन ने बताना आप लोग गांव का डेकोरेशन हमारा बहुत मेहनत लगी चारू ने बहुत मेहनत करी है चारू ने बहुत हेल्प करी है सीरियसली अब मैं इनके लिए बनाने वाला हूँ डिनर में आज मतलब इन सब की डिमांड थी कि चौमिन खिलाओ तो आज चौमिन बनाते हैं अभी चौमिन भी दिखाता हूँ अभी कुछ नहीं होगा अभी लाता हूँ बना चारू हमला ये हैप्पी बर्थडे मम्मी ने तो डेकोरेशन वाले भी ले लिए ये कोई सा भी नहीं छूटना चाहिए चारू उनको भी उड़ा दे मम्मी बच्चों के लिए किसके बच्चों के लिए ये हो गया अब धमाका प्रॉपर पता नहीं सब हैप्पी बर्थडे तू मी बोलना ले अब तो दोबारा से कर दे इसको अच्छे से खत्म कर दे उड़ा 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 केक 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 बचा के केक बचा केक बचा केक बचा केक बचा केक ले जा हाँ कर दे ताई जी को स्नोफॉल का अरे ये भी खत्म हो गया ताई जी की किस्मत अच्छी है इसको कर लेंगे बाद में साफ कर देंगे ये चलो कर दिया तो गाइस चौमिन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है हाँ 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 ताई जी मिर्च कम खाती है ना कौन सी तुम्हारी नानी मिर्च कम डालना ठीक है ओके तो चौमिन बनाते हैं अब लेट हो गया हमें करते करते गांव वालों का खाना खाने का टाइम हो चुका है बता बोल रहा तू कहाँ दिखा रहे एक प्याज का टुकड़ा और दीजिए मुझे हाँ आप ठीक है तो अल्ट्रा वाइड फटाफट बना के यार सबको खिलाते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा सबको खाना खाने में चौमिन का पैकेट एक ही लेकर आए थे दिल्ली से ही ले आया था मैं इसको तो अब देखते हैं यार हो पाएगा सबसे लिए नहीं हो पाएगा होपफुली हो जाना चाहिए मम्मी प्याज धोने के लिए पीछे जाना है ना प्याज धोने के लिए प्याज गोभी सब धोगा नहीं मैं काट लूंगा जाओ धो बंद कर दे ब्लॉग बंद कर दे
तो गाइस चौमिन बना के चौमिन सर्व कर दिया मानसी ने। अम्मा खा के बताना कैसी बनी है। मैंने बनाई है, आपके पोते ने बनाई है आज। सॉस देखना है, तो ठीक है गाइस इसी के साथ हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। सबने जो मतलब हमें चौमिन जो बना के खिलानी थी, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी वो मैंने कर दी पूरी। मैंने बना के सबको खिला दी। और आपको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसका बर्थडे है, दुनिया तक पहुंचाओ। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।